I am the one. Yo, I'm the ha. And together, we are one and a ha. Papa, aaj ki dish main banau. Aaj ki dish aapko banani hai. To kya banane ja rahe ho aaj aap? Aaj main banaunga watermelon juice. Watermelon juice ya fir watermelon crush? Kuch bhi bolo, same cheez hi to hai. Chalo, theek hai. To fir aaj पिछले तीन बार से हम आपको कभी ब्रेकफास्ट की डिश बता रहे हैं, कभी डिनर की, कभी लंच की. तो इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ चेंज करते हैं. आज हम आपको बना के दिखाएंगे एक बेवरेज टू ड्रिंक इट विद दोस डिशेस. जैसे कि आप सबको पता है गर्मियां ऑलमोस्ट आने ही वाली हैं, तो इन गर्मियों के लिए बहुत ही एक अच्छा ड्रिंक हम आपको सजेस्ट करते हैं, जो कि है वाटरमेलन क्रश. तो चलिए शुरू करते हैं. इस डिश को बनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें चाहिए. वाटरमेलन, आइस, शुगर, सोडा. अगर सोडा नहीं है तो पानी भी काम आ सकता है, या फिर हाफ सोडा हाफ वाटर भी यूज कर सकते हैं. बाकी आप मिंट भी डाल सकते हो, लेकिन हम मिंट नहीं डालेंगे क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है. अदरवाइज मिंट बहुत अच्छा लगता है. हाँ, लेमन जूस भी डालेंगे. लेमन जूस से और अच्छा लगेगा. ठीक है, लेमन जूस भी डाल. तो स्टार्ट करें. हमने यहाँ पे वाटरमेलन पहले से ही कट कर दिया है, और जितना पीसेस आप काटोगे उनमें आप कम से कम बीज रखने की कोशिश करना, नहीं तो पहले ही निकाल देना बीज उससे, जो भी आप अगर पीस में आए तो. तो हम वाटरमेलन लेंगे और उन्हें कप में डाल देंगे. मैं इसको हेल्प करता हूँ आपकी. कितने डालने हैं पापा इसमें? जैसे ये ग्लास का साइज देखते हुए आप इसमें लगभग इसको हाफ फिल कर दीजिए. बस अब इसमें आइस डालेंगे. थोड़ी शुगर डालेंगे और लेमन जूस एंड लेमन. ये लेमन स्क्वीज नहीं है. अब हमने इसमें सब कुछ चीज डाल दी है, इसका थोड़ा सा किसी भी चीज से क्रश कर देंगे. क्रश करते हैं. क्रशिंग क्रशिंग में ही क्रशिंग में कर. इट इज अ वेरी सैटिस्फाइंग थिंग टू डू व्हेन यू आर इन एंगर. क्रश एंड गाइस, अगर आप क्रश इजीली नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सोचना है आपको? जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है और उस गुस्से से आप इसको क्रश करना हो जाएगा. देखिए ऑलमोस्ट क्रश हो गया है इसका. आप देखेंगे कि हल्का हल्का जूस निकल आया है इसमें वाटरमेलन का. जब आप इसको बना रहे होंगे तो आपको कम्प्लीटली इनको क्रश नहीं करना है, थोड़े थोड़े चंक्स रह जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा. अब लास्ट स्टेप, सोडा. सोडा इसमें हम सोडा डाल देंगे. आप चाहे तो उसको सोडा के साथ भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें हाफ सोडा और हाफ वाटर कर सकते हैं. नहीं तो हम इसमें हाफ सोडा और हाफ वाटर ही करेंगे. हम ठंडा पानी यूज करना चाहे तो नॉर्मल यूज कर सकते हैं, बट ठंडा इज मोर बेटर. अभी ऑलमोस्ट फिल हो गया, इसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे. अब क्योंकि जैसा आप सब लोगों को पता है इस टाइम लॉकडाउन का टाइम है, तो हमारे को मिंट नहीं मिला. अभी जो मिंट होता है इसके अंदर, तो ये रेसिपी, ये बेवरेज का जो रेसिपी हमारी तैयार है, इसके ऊपर हल्का सा आप बस मिंट डालेंगे एंड दिस इज रेडी. यमी. अच्छा, ये हम इस ड्रिंक को बनाने के लिए ये एक तरीका है. दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि ये जितने भी वाटरमेलन है इन सबको आप मिक्सी के अंदर ब्लेंड कर दीजिए, और ब्लेंड करने के बाद आप इसमें लेमन डाल दीजिए, मिंट, सोडा, जो भी हमने यूज करा है वो डाल दीजिए और उसके साथ बस उसका एक क्रश अलग तरीके का तैयार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा. उसको आप छान के भी पी सकते हैं, बट बिना छाने भी ज्यादा अच्छा रहेगा.
सो गाइस आज हम इसी बेवरेज के साथ आपको एक और टेस्टी डिश दे देंगे जिससे आप इस चीज को एंजॉय कर सके विद सम फूड. सो वो डिश है मैश्ड पोटैटोस विद चीज. सो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा आसान है जस्ट लाइक दिस. आपको क्या करना है पहले आलू उबालने हैं. हाँ. आलू उबाल के उनको मैश कर देना है और मैश करने के बाद आप उसमें सॉल्ट मिला दीजिए और कुछ थोड़ा सा अमचूर वगैरह मिलाना है तो वो मिला दीजिए और कुछ नहीं करना. उसके बाद हमें आपके घर में जिस भी तरीके का चीज है उसे ग्रेट कर वो चीज लेंगे उसको या तो उसके ऊपर ग्रेट कर दीजिए. जैसे हमने इसके ऊपर चीज स्लाइस रखा है चीज स्लाइस रखेंगे और उसको 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे. अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ओवन में रखने के बाद कैसा हो जाएगा. फ्रेंड्स देखिए अभी मैं इसको माइक्रोवेव में करके ले आया हूँ और ये कुल मैंने 1.5 ऑलमोस्ट 1 मिनट ही किया है. तो 1 मिनट में उसका सारा चीज मेल्ट हो जाता है और फिर इसको मिक्स कर दो. चीज को मेल्ट होने के बाद आप इसको इसमें मैश्ड पोटैटो के अंदर मिक्स कर दें. गार्निशिंग करने के लिए आप इसमें पीनट भी डाल सकते हो. इट इज ऑप्शनल इफ यू वांट टू पुट पीनट्स आप डाल सकते हो. इस मैश्ड पोटैटो में जो कि चीज मैश्ड पोटैटो है आप इसमें हल्का सा पीनट्स डाल दीजिए तो ये और टेस्टी हो जाएगा. अब आप इस मैश्ड पोटैटो को ऐसे ही भी खा सकते हैं और या फिर आप इसको किसी ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं एज ए सैंडविच फिलर यूज कर सकते हैं. ये हर तरीके से काम आएगा. मैं इसको ऐसे खाऊंगा बिकॉज़ इट्स मैश्ड पोटैटोस. बिना बैठ गई बहुत टेस्टी लगता है. सो गुड. डिश को बनाने के लिए इन दोनों बेवरेज और डिश को बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कि इसको 5 मिनट लगेंगे बनने में और इसको 2 मिनट लगेंगे इफ आपके पास पहले से ही उबले हुए आलू है. 7 से 8 मिनट. सो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में अच्छा सा स्नैक्स और बेवरेज का कॉम्बिनेशन बना सकते हो. So guys, this was it for today's video. अब मिलते हैं कल एक नई डिश के साथ. Bye. Bye.